चल रहा है प्यार का सप्ताह, यानी कि चल रहा है वैलेंटाइंस वीक। हर कोई जो भी ये चलते हैं हफ्ते इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि हर एक दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है। शुरुआत होती है रोज डे से, फिर धीरे धीरे करके आते हैं अलग अलग डेज, चाहे वो टेरी डे हो या फिर चॉकलेट डे हो, और फिर आखिरकार आता है 14th को वैलेंटाइंस डे। कहीं ना कहीं हर कोई जो है इन दिनों कर रहा है अपने अपने कह सकते हैं साथी के साथ इन दिनों को सेलिब्रेट, दे रहा है एक दूसरे को रोज या फिर दे रहे हैं एक दूसरे को डिफरेंट टेडी चॉकलेट। तो वहीं बता दें आपको, टीवी के कुछ ऐसे भी सितारे हैं जो कि एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, रोज दे रहे हैं, और आज जो टेडी डे है आज भी टेडी दे रहे हैं। आपको बता दें कि दो ऐसी जोड़ीज हैं टीवी की जो कि खासकर इन दिनों को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही हैं। बात करेंगे आज कनिका मरन निशांत मलकानी, दूसरी तरफ ईशा और अदनान के बारे में। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये चारों लोग यानी कि कनिका निशांत जो हैं वैलेंटाइंस डे को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए हैं, और रोज डे बात कर ले या फिर टेडी डे की बात क्यों ना कर ले, आज भी निशांत ने जो है कनिका को टेडी दिया है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ईशा और अदनान की, तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को रोज किया है। कहीं ना कहीं जितने भी ये डेज आ रहे हैं इनको अगर कोई बड़ी खूबसूरती से सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये दोनों कपल्स। जी हाँ, जहाँ ईशा जो है अपनी खूबसूरती से अदनान का दिल धड़काती हैं, तो वहीं अदनान ने भी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से ईशा को रोज डे डाला और साथ साथ प्रपोज भी कर दिया। तो वहीं निशान भी अपने नीस पर बैठ के कनिका को रोज देते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, इनका ये प्यार जिस तरीके से ऑन स्क्रीन भले ही कम देखने को मिला हो आपको, यानी कनिका और निशान का जो ऑन स्क्रीन लव है वो भले अब धीरे धीरे शुरू हो रहा हो शो में, लेकिन रियल लाइफ की बात करें तो इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। कनिका मरन ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि वो हर दिन को किस तरीके से जीने वाली हैं, यानी कि जो ये वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है इनको हर दिन किस तरीके से वो स्पेंड करने वाली है निशांत के साथ। तो वहीं निशांत भी फुल ऑन तैयार है कनिका को सरप्राइज देने के लिए, चाहे वो रोज हो चाहे वो टेडी हो, और अपनी नीस पर भी बैठ गए हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए कनिका को, किस तरीके से कनिका को निशांत ने प्रपोज कर दिया है और किस तरीके से कनिका भी मुस्कुराते हुए उनका रोज उन्होंने लिया है, टेडी भी लिया है। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये इनकी स्पेशल बॉन्डिंग है जो कि काफी ज्यादा बढ़ रही है, और इनकी यही नजदीकियां जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रियल लाइफ केमिस्ट्री बढ़ती है तो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई नजर आने लगती है। तो वही दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं ईशा की और अदनान की, जो कि शो में जारा और कबीर बने हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों शो में किस तरीके से एक साथ नजर आते हैं, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। तो वही रियल लाइफ केमिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और फिर एक साथ इन वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करना, इन वीक्स को सेलिब्रेट करना, ये बहुत ही स्पेशल बात होती है। और ईशा और अदनान इन दिनों को काफी खूबसूरती से सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो रोज हो या फिर चॉकलेट हो या फिर टेरी डे क्यों ना हो, हर दिन को ये लोग अपने साथ यानी कि एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और जो मुस्कुराहट देखने को मिल रही है इन कपल्स के बीच में, वो मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप सभी के फेवरेट कपल हैं ये। कहीं ना कहीं ईशा और अदनान की केमिस्ट्री भी आपको पसंद आती है। तो वहीं हाल ही में बन रही ये जोड़ी यानी कि कनिका और साथ ही साथ निशांत की जो केमिस्ट्री है वो भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा भाती है। आप सभी जानते हैं कि दोनों ही शोज जो है बहुत ही सुपर हैं। जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले इन शोज को काफी पसंद करते हैं आप लोग। तो वहीं जिस तरीके से ये प्यार का सप्ताह जो शुरू हुआ है 7 तारीख से और 14 तक चलता है, ये काफी स्पेशल होता है उन लोगों के लिए जो कि प्यार में होते हैं या फिर जो दोस्त होते हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं गिफ्ट देते हैं, चाहे वो रोज हो चाहे वो चॉकलेट हो या फिर टेडी डे क्यों ना हो, हर तरीके से वो लोग कह सकते हैं स्पेंड करते एक दूसरे के साथ टाइम। दोस्त पेरेंट्स भी इन सब चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं ना कहीं जो ये दिन है जो ये स्टार्ट हो चुके हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और इन कपल्स के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है। बात करेंगे अगर और टीवी कपल्स के बारे में तो अभी तो कोई सामने नहीं आ रहा है कि कौन किसको प्रपोज करने वाला है, लेकिन सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी की हम बात करें तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं खबरों की माने तो पल्लवी पुरी जो है वो तैयारियों में लग गए हैं
कि सुरभि ज्योति के साथ वो सेलिब्रेट करेंगे वैलेंटाइंस डे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पल्लवी पुरी और सुरभि ज्योति एक साथ वैलेंटाइंस डे पर दिखते हैं या फिर स्पेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फैंस यानी कि जो बहर के फैंस हैं उन्हें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि उन्हें बेहद पसंद है इन दोनों को साथ देखना, इनकी केमिस्ट्री को देखना। और अगर रियल लाइफ में भी ये लोग वैलेंटाइंस डे के दिन एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, साथ रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है इन वैलेंटाइंस को लेकर, इन जो डेज चलते हैं उनको लेकर। सबसे पहले अगर हम बात करें ईशा की, तो उन्होंने साफ साफ कहा है किस तरीके से जो है जो लोग होते हैं जो अलग अलग दिनों पर नहीं बोल पाते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन पर बोल पाते हैं, आमतौर पर वो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं अपने पार्टनर से, तो वो लोग क्या करते हैं इन दिनों का कह सकते हैं इंतजार करते हैं कि प्रपोज डे पे वो प्रपोज करें या फिर अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग जो है वो शेयर करें। तो उनके लिए ये डेज काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत खास होते हैं उनके लिए वो दिन। तो अगर हम वही कनिका की बात करें तो उन्हें काफी मजा आता है इन दिनों में कह सकते हैं अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने में, उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये सारे जितने दिन आते हैं वो। तो कहीं ना कहीं हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग होता है, लेकिन इन दिनों को लेकर सबका पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा मैच करता है, क्योंकि हर किसी को ये वैलेंटाइन वीक काफी पसंद होता है, हर कोई इंजॉय करता है, हर किसी के लिए काफी खास होता है। लेकिन उस बीच कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कह सकते हैं एक साथ नहीं देखा जा रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि काफी स्पेंड कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ इन लोगों ने बोला है अपने इंटरव्यूज के दौरान जो हाल ही में हुए हैं। आप सभी को डिटेल में दिखाते हैं किस तरीके से किसने क्या कुछ बोला है और कैसा रहा है उनका रिएक्शन जब उन लोगों ने प्रपोज किया है, जब उन्होंने कुछ टेडी या रोज दिया है। आप सभी को हम दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जी टीवी के फेमस शो गुड्डन तुमसे न हो पाएगा से फेम पा रहे द वेरी क्यूट कपल कनिका और निशांत मलकानी, जो कि शो में निभा रहे हैं गुड्डन और अक्षत का रोल। वेल, जैसा आप जानते हैं कि शो में दोनों की शादी हो गई है, और जहां कनिका जो कि यंगेस्ट सास बनी है, तो वहीं निशांत जो है ससुर का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों चल रहा है वैलेंटाइंस वीक। जी हाँ, वैलेंटाइंस वीक में खास तरीके से हर कोई एक दूसरे को विश कर रहा है अलग अलग डेज पर। तो वहीं हाल ही में ही एक इंटरव्यू के दौरान निशांत और कनिका एक साथ नजर आए, और साथ ही साथ वैलेंटाइंस वीक जो चल रहा है उस पर ढेर सारी बातें करी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से निशांत ने कनिका को कर दिया रोज देकर प्रपोज, कहीं ना कहीं इस तरीके से इनका जो रोमांस है जो कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन तो नजर आ ही रहा है, वो रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं पनपता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि निशांत और कनिका ने काफी खूबसूरत तरीके से रोजे को सेलिब्रेट करा एक दूसरे को रोज देकर। तो वहीं निशांत ने घुटने पर बैठकर कनिका को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रोज दिया, और साथ ही साथ हर एक डे को वो अलग तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, चाहे वो रोज डे हो, चाहे किस डे हो, चाहे वो टेडी डे हो, या फिर फाइनली वैलेंटाइंस डे क्यों ना हो। हर तरीके से ये दोनों जो है वैलेंटाइंस वीक को स्पेंड करने वाले हैं, और काफी स्पेशल होने वाला है उनका ये वैलेंटाइंस वीक। जी टीवी के पॉपुलर शो इश्क सुभान अल्लाह से फेम पा रही वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ईशा सिंह और उनके साथ नजर आ रहे हैं शो में अदनान। अदनान इस शो में निभा रहे हैं कबीर का रोल, तो वहीं ईशा सिंह कर रही हैं जारा का रोल प्ले। जारा और कबीर की केमिस्ट्री और इनकी जो रियल लाइफ बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैंस पसंद करते हैं। तो वहीं आप जानते हैं कि दिन रोज रिपीट वहीं आप जानते हैं कि इन दिनों चल रहा है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे के इस वीक में कहीं ना कहीं अदनान और ईशा ने कर दिया एक दूसरे को प्रपोज। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान ईशा और अदनान ने एक दूसरे को प्रपोज किया, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि हर दिन प्यार का होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं आमतौर पर, और वो अपने दिल की बात इन दिनों में बोलने की पूरी कोशिश करते हैं। ये खास दिन उन्हीं के लिए होते हैं जो थोड़े अपने करेज को नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन इन दिनों अपने करेज को लेकर ये अपने दिल की बात कह पाते हैं। और इसी बीच एक दूसरे को रोज देकर अदनान और ईशा यानी कि जारा और कबीर भी एक दूसरे को प्रपोज करते हुए नजर आते हैं। अब इन्होंने दिल से बात बोली है या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी ये जो प्रपोजल है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों की लव स्टोरी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से टीवी इंडस्ट्री के कपल्स जो हैं यानी कि ऑन स्क्रीन कपल्स जो हैं वो रियल लाइफ में खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं वैलेंटाइंस वीक को, और खासकर कि ये चारों जो कपल्स हैं ये काफी एंजॉय कर रहे हैं।
आई होप कि आप लोग भी जो है काफी इंजॉय कर रहे होंगे इस वैलेंटाइन वीक को, हर दिन को काफी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि हर किसी को इंतजार रहता है फरवरी का, और खास करके इन दिनों का इंतजार रहता है। तो खुलकर इंजॉय कीजिए, खुलकर मस्ती कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्टनल लाइफ, और जरूर ढेर सारे कमेंट्स करें कि आपका कैसा जा रहा है ये वीक, और कैसा लगा आपको इन लोगों का जो ये वीक जो कह सकते हैं इंजॉय कर रहे हैं वो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के जरिए।